दोस्तों एम आई के 4A, 4A प्रो, 4C, 4C प्रो और 4X और 4X प्रो के बाद टीवी सेगमेंट में एम आई इंडिया अब लॉन्च करने जा रहा है उसके होराइजन एडिशन को। और आज के वीडियो में बात करेंगे इस होराइजन एडिशन के बारे में, कब ये लॉन्च होने वाली है, क्या कुछ खास होने वाला है, तो आज के वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो सब कुछ होने वाला कमाल धमाल इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों हम सभी इंतजार कर रहे थे एम आई के इस साल के 2020 के टीवी सीरीज को लॉन्च होने का, काफ़ी इंतजार था। और आज फाइनली उनके जो ग्लोबल और मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन हैं, उन्होंने ट्वीट करके हमें बताया है कि उनकी होराइजन एडिशन 7 सितंबर 2020 को लॉन्च होने जा रही है। और इसी के साथ ही साथ कुछ हाइलाइट्स भी प्रोवाइड किए हैं इसी टीवी से रिलेटेड। होराइजन एडिशन के इस टीवी में आपको एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ एमआई की टीवी तो आपको पैच वॉल हमेशा की तरह जैसे हर टीवी में होता है, इस टीवी में आपको पैच वॉल देखने मिल जाएगा। और इस साल कुछ नया लेके आ रहा है एमआई होराइजन एडिशन में कि जहां पर वो क्वांट एसेंशियल डिस्प्ले टेक जैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जिसमें आपका डिस्प्ले या व्यूइंग बहुत ही अच्छा होगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक लीक आउट नहीं हुए, लेकिन जैसे भी होंगे आपको डिटेल्स तो मिल जाएगी इस चैनल पे। इसी के साथ ही साथ एमआई की टीवी में आपको जो बूटिंग का प्रॉब्लम था, रीबूट या बूट करने के टाइम जो प्रॉब्लम्स होते थे, टाइम काफी लेता था, 45 सेकंड से भी ज्यादा ले लेते थे, कुछ एप्स भी लोड होने में टाइम लगता था, तो वो प्रॉब्लम को रिड्यूस किया है इस सीरीज में। तो यहां पे आपको क्विक वेक का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जिसमें आपको बूटिंग का प्रॉब्लम हट जाएगा इस सीरीज में। और जब मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट टीवी के बारे में, तो उनके गेम्स और एप्स को मैं कैसे भूल सकता हूँ, तो इस टीवी में आपको 5000 से भी ज़्यादा एप्स देखने मिल जाएंगे। और बात करें टीवी के पैनल के बारे में, तो पैनल की इन्फॉर्मेशन अभी तक कुछ लीकआउट नहीं हुई है, क्यूलेड हो सकता है या फिर अल्ट्रा एचडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी तक क्लियर नहीं है, तो इस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इसी के साथ ही साथ बात करें टीवी के डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन बहुत ही मस्त होने वाली है इस टीवी की, बहुत ही बोलते ना बीजललेस डिज़ाइन होगी, प्रीमियम क्वालिटी का एकदम जो भी मेटल या फिर हो सकता है या फिर प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक हो सकती है इस टीवी में, तो डिजाइन वाइज बहुत ही अच्छा लुक होने वाला है। और इमेज देख के तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं काफी एक्साइटेड भी हूं इस टीवी के लिए। और दोस्तों जो लोग वेट कर रहे थे MI 5 और 5 Pro का, वो अभी लॉन्च नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो लॉन्च होना होता तो शायद होराइजन एडिशन की जगह पे यही सीरीज लॉन्च होती, लेकिन उन्होंने होराइजन एडिशन ला दिया है, मतलब अभी इस साल तो शायद आप 5 और 5 प्रो एक्सपेक्ट ही मत करो। तो जो लोग वेट कर रहे हैं उस चीज़ का भाई भूल जाओ, मैं तो अभी के लिए कहना चाहूँगा कि इंतज़ार मत करो भाई कि वो आएगा ही, वो आएगा शायद नेक्स्ट ईयर, इस ईयर तो मुझे नहीं लगता कोई भी चांस है आने का। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी को, MI ने इस बार सही टाइम पे टीवी लॉन्च करने का प्लान किया है, जहाँ पे सारे ब्रांड्स की टीवी तो लॉन्च हो चुके हैं। आप VU ले लो, थॉमसन ले लो, टाइफेलकॉन, जो भी ब्रांड्स है, LG, सोनी, सैमसंग, उनके भी टीवी लॉन्च हो गए हैं। अब उन्होंने लॉन्च करने का जो डेट रखा है 7 सितंबर, बहुत ही सोच समझ के रखा है, उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है बहुत हिसाब से रखी है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में, मतलब आज है 24 तारीख, तोशिबा की टीवी आ रही है 30 तारीख को, 29 या 30 तारीख को आ जाएगी, और शायद थोड़ा सा डिले हुआ है, आज ही मुझे वो अपडेट मिली है। और आपको राइडेक्स इंडिया जो टीवी है लॉन्च होने वाली 5 सितंबर को, और उसके बाद 7 सितंबर को ये लॉन्च करें, मतलब सबसे लास्ट में टीवी आ रही है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बाकी ब्रांड्स की भी टीवी कोई आने का चांसेस है इस साल। तो बहुत ही सही टाइम पर टीवी लॉन्च की और काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अब इसके बाद फेस्टिव सीजन चालू होते हैं और लोग फेस्टिव सीजन में ज़्यादा टीवी परचेस करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो कोई भी MI इंडिया से देख रहा है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस होराइजन एडिशन टीवी, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी आप मुझे बताइए कि आप एक्साइटेड हो कि नहीं इस टीवी सीरीज के लिए। और इसी के साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार टीवी वीडियो तो लेके आते ही रहते हैं। और इंस्टाग्राम पे जुड़िए, वहां पे भी आपके सवालों के जवाब तो हम दे ही देते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।